हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रेगुलेटर जो गैस का सिलेंडर के ऊपर लगने वाला रेगुलेटर होता है उसकी स्पीड बढ़ाकर आप इसको इसके ऊपर गन लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर की साइड से खोल देना है। अपने कोई भी तिक्की चीज लेकर छोटा पेचकस लेकर आप इसको खोल सकते हैं। ऊपर की तरफ से अपने खोल देना है तो ऊपर की तरफ से खोलेंगे तो उसके अंदर स्प्रिंग लगा होगा, इस तरह का स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का क्या काम है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से स्प्रिंग लगा होता है, इसके ऊपर सिर्फ एक ढक्कन होता है, प्लास्टिक का ढक्कन। तो ये प्रेशर का काम करता है। जब गैस नीचे से सिलेंडर को ऊपर तक खेलता है तो यहाँ से एक प्लेट होती है जो ऊपर की तरफ आती है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि स्प्रिंग का गैस प्रॉपर नहीं निकल पाती। तो आपको इसको बिल्कुल सेट करने के लिए, अब गन के ऊपर लगाने के लिए क्या करना होगा, आपने इसको जी देखिए इसका दबाव कितना बढ़िया है स्प्रिंग का। तो आपने इस तरह जो प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है इसके नीचे स्प्रिंग होता है हमारा, इसको टाइट करना है। जितना आप इसको टाइट करेंगे, फुल टाइट कर देंगे तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप गन के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना लूज करेंगे आप इसको खोलेंगे आपको पता लग जाएगा घुमाने से। तो इस तरह मैं घुमा रहा हूँ तो ये टाइट हो रहा है, मैंने फुल टाइट कर दिया है। आप इसको खोलेंगे तो इसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, इस ज़्यादा खतरे वाला काम नहीं होता है। आप सिर्फ उसमें शेद ना निकालें जो नीचे प्लेट लगी हुई है। ये देखो मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ध्यान से काम करना है क्योंकि समझदारी का काम तो है ही है, गैस का काम है तो थोड़ी समझदारी तो बरतनी पड़ती है। इससे आप गन के ऊपर भी ये रेगुलेटर को ला सकते हैं, नहीं तो इस रेगुलेटर पर ये गन नहीं काम करती है क्योंकि कुछ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। देखो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ से खोला हुआ है, इसको मैंने दोबारा बंद कर दिया है क्योंकि ऊपर से भद्दा सा लगेगा। तो इसके लिए मुझे, मेरे पास पुराना रेगुलेटर पड़ा हुआ था तो जो इसका रेगुलेटर आता है वो थोड़ा महंगा आता है। आपके घर में ही रेगुलेटर पड़ा है तो आप गन के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। तो ये देखो प्रेशर इसका जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं, फुल ये मैंने फुल किया हुआ है, देखो कितना बढ़िया चल रहा है। तो आप इस तरह आप कोई भी अपनी गन के लिए रेगुलेटर घर पे तैयार कर सकते हैं नॉर्मल रेगुलेटर से। इसके लिए वीडियो मेरी सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें ताकि मैं इस तरह की बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।